बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने कई फिल्मों में शानदार काम किया है। हालांकि काफी समय से वो बड़े पर्दे से गायब थी, लेकिन एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और फैंस से अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी अपडेट भी शेयर करती रहती हैं। इन सबके बीच इलियाना ने आज ही सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करके सबको हैरान कर दिया है। एक्ट्रेस ने हालांकि अपने होने वाले बच्चे के पिता को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। इलियाना ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर की है। उन्होंने एंड सो द एडवेंचर बिगिंस और मामा पेंडेंट की तस्वीर के साथ ये जानकारी शेयर की है। इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, कमिंग सून, मेरी नन्ही जान तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। इलियाना की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद जहां उनके फैंस उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं एक इंटरनेट का सेक्शन बच्चे के पिता के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड है। एक यूजर ने लिखा, क्या आप शादीशुदा हैं? पिता कौन है? एक ने कमेंट में पूछा, पिता कौन है? एक और यूजर ने लिखा, क्या आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? बता दें कि इलियाना डिक्रूज ने काफी वक्त तक किसी को डेट किया था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो जाने के बाद ये खबर आई थी कि इलियाना कैटरीना कैफ के भाई सेबास्टियन लॉरेंस को डेट कर रही हैं। कॉफी विद करण सीजन 7 के एक एपिसोड में करण जौहर ने इनके रिश्ते को कंफर्म भी किया था। वैसे सेलेब्स भी काफी खुश हैं इलियाना की प्रेगनेंसी से और उनकी फैमिली भी काफी खुश नजर आ रही है। इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कपिल शर्मा टीवी के जाने माने कॉमेडियन हैं। वो अपने शो द कपिल शर्मा शो को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इस शो में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार शिरकत कर चुके हैं। शो के दौरान अक्सर ही कलाकार काफी मस्ती करते हुए नजर आते हैं। कपिल शर्मा शो के अभी तक चारों सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वही बीते कुछ दिनों से खबरें सामने आ रही है कि कपिल शर्मा का ये शो ऑफ एयर होने वाला है, यानी कि बंद होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि द कपिल शर्मा शो का चौथा सीजन जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। इन उठती खबरों के चलते शो के फैंस भी कई सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। वहीं हाल ही में कपिल ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इसको लेकर अपना रिएक्शन शेयर किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। दरअसल कपिल शर्मा जुलाई के महीने में लाइव टूर के लिए यूएसए जाने वाले हैं। कपिल का कहना है कि वो लोग देखेंगे उस समय क्या करना है और क्या नहीं। कपिल के इस बयान ने उठती हुई अफवाहों पर रोक लगा दी है। हालांकि ये बात तो तय है कि वो जुलाई में टूर पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर शो उस दौरान ऑफ एयर होगा तो जुलाई के बाद वापस से शुरू हो जाएगा। सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा शो और उसके होस्ट कपिल अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। शो में अक्सर ही कलाकार अपनी फिल्मों को प्रमोट करने आते हैं, साथ ही शो में कलाकार आकर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक देह व्यापार का रैकेट कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस ने आरती को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुड़गांव में एक जगह से दो मॉडलों को रेस्क्यू भी किया है और उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया गया है। मॉडल्स ने पुलिस को बताया कि आरती ने उन्हें 15,000 रुपए देने का वादा किया था। पुलिस ने डमी ग्राहकों को होटल में भेजा था और इस तरह उन्होंने इस रैकेट का खुलासा किया और आरोपी आरती मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस रैकेट की जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर को मिली थी। इसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और एक को कस्टमर के रूप में पेश किया। प्लानिंग के तहत डमी कस्टमर ने मित्तल से कॉन्टेक्ट किया और उनसे अपने दोस्तों के लिए दो लड़कियों को अरेंज करने के लिए कहा। मित्तल ने इस काम के लिए 60,000 रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने जानकारी दी कि आरती को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो विभिन्न प्रोजेक्ट्स के दौरान वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए लोगों को अच्छे पैसे ऑफर कर रही थी। आरती कास्टिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी है। उन्होंने अपनापन जैसे टेलीविजन शो में भी काम किया है। कुछ समय पहले आरती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो आर माधवन के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। फिलहाल आरती पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के साथ वेडिंग रूमर्स के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी रिंग फिंगर में एक सिल्वर बैंड पहने स्पॉट हुई है। एक्ट्रेस पिछले काफी समय से पॉलिटिशियन राघव चड्ढा को डेट करने को लेकर सुर्खियों में है।
हालांकि दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को लेकर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। पिछली रात परिणीति चोपड़ा ने अपनी रिंग से सबका ध्यान खींचा, हालांकि एक सिंपल सिल्वर बैंड थी। बता दें कि एक्ट्रेस को सोमवार रात सेलिब्रिटी मैनेजर पूनम दमानिया के ऑफिस में स्पॉट किया गया था। इस दौरान परिणीति ने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ शर्ट पहनी थी और उन्होंने इसके साथ डेनिम भी पेयर अप किया था। परिणीति कैजुअल लुक में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। ऑफिस से निकलने से पहले एक्ट्रेस ने कैमरों के लिए स्माइल भी दी। वहीं राघव चड्ढा ने प्रेस के साथ हाल ही में मुलाकात के दौरान अपनी र्यूमर्ड वेडिंग के सवालों को बड़ी चालाकी से टाल दिया था। उनसे पूछा गया था कि परिणीति की खूब चर्चा हो रही है, इस पर राघव शर्मा गए थे और हंसते हुए कहा था कि आज जश्न मनाइए कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और कई सारे जश्न मनाने का मौका आएगा। हालांकि हाल ही में सिंगर और एक्टर हार्डी संधू ने परिणीति और राघव चड्ढा के रिलेशनशिप में होने पर मोहर लगाई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कपल जल्द ही शादी करने वाला है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने भी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया था।